नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। मंगलवार सुबह से हिसार और आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के आवास स्थान पर छापा मारने पहुंची आयकर विभाग की टीम ने देर रात्रि लगभग 2 बजे तक अपनी जांच की। मिली जानकारी के अनुसार आदमपुर से विधायक एवं कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के हिसार सेक्टर 15 निवास स्थान एवं आदमपुर के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। आदमपुर में आयकर विभाग की टीम ने 107 नंबर दुकान के ऊपर बने आवास पर देर रात्रि तक अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम ने वहां से भजन लाल के समय के अलमारी में रखे हुए कागजात ताला तोड़कर निकाले और अपनी जांच की। जिस वक्त आदमपुर में आयकर विभाग की टीम ने अपनी छापामारी कार्रवाई शुरू की, उस समय कुलदीप व रेणुका के पुत्र भव्य बिश्नोई भी वहीं मौजूद थे, जिन्हें पूरा दिन टीम ने नजरबंद रखा और कार्रवाई जारी रखी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग सुबह 7 बजे लोगों को पता चला कि कुलदीप बिश्नोई के हिसार और आदमपुर के आवास पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है, जिसके बाद वहां पर समर्थकों एवं पत्रकार पहुंचने शुरू हो गए। लगातार समर्थकों की बढ़ती भीड़ को देखकर स्थानीय पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद सारा मोर्चा स्थानीय पुलिस ने संभाला। भव्य बिश्नोई को 2 बार जांच के दौरान बाहर लाना पड़ा, क्योंकि समर्थकों ने आदमपुर निवास स्थान के सामने हंगामा शुरू कर दिया था। इसके बाद भव्य बिश्नोई को बाहर लाया गया और भव्य बिश्नोई अपने समर्थकों से मिले और उन्होंने बताया कि वह ठीक है। कुलदीप बिश्नोई की माता जस्मा देवी हिसार के सेक्टर 15 में बने निवास स्थान पर मौजूद थी, जबकि कुलदीप के पुत्र भव्य बिश्नोई को आदमपुर निवास स्थान पर दिन भर आयकर विभाग की टीम ने नजरबंद रखा। आयकर विभाग की टीम ने मीडिया से कोई भी जानकारी साझा नहीं की, बल्कि कड़े पुलिस पहरे के बीच जांच कर आदमपुर से निकल गई। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम बहुत सारे कागजात एवं कंप्यूटर का डाटा पेन ड्राइव में कॉपी करके अपने साथ ले गई। प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, इससे पहले कुलदीप बिश्नोई के घर व दुकान पर आयकर विभाग की कार्यवाही को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 15 वर्ष पहले भी कुलदीप के निवास स्थान पर छापामारी कार्रवाई हुई थी। 2004 में आयकर विभाग और 1998 में आयकर विजिलेंस क्राइम ब्रांच की टीम ने छापे मारे थे। विभाग की तरफ से 15 साल बाद दोबारा जांच की जा रही है। हिसार स्थित आवास पर लगातार अब तक आयकर विभाग की कार्यवाही जारी है और किसी भी तरीके से आयकर अधिकारियों ने कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।